जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम रोक के बाद मामले ने सियासी रंग ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी अंसार के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए ईडी को लेटर लिखकर कहा। अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन को कहा है। अंसार को ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार शेख गिरफ्तारी के बाद से ही चर्चा में है। अंसार पहली बार उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान वो फिल्म पुष्पा के झुकेगा नहीं वाले स्टाइल में कैमरे पर कानून के सामने अकड़ दिखाई थी। कौन है अंसार? अंसार कबाड़ का कारोबारी है। जहांगीरपुरी में उसका 5 मंजिला मकान है और वो महंगी बीएमडब्ल्यू कार की सवारी करता है। अंसार जहांगीरपुरी हिंसा का मुख्य साजिश करता है। शोभा यात्रा निकलते वक्त उसी की बहस हुई थी जिसके बाद पथराव शुरू हुआ था। अगर अंसार माहौल को तनावपूर्ण नहीं करता तो शायद जहांगीरपुरी में हिंसा नहीं होती। अंसार के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज है। अंसार के खिलाफ 2 मामले हमला करने, 5 गैम्बलिंग एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।